हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में जो आपसे हेट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। बॉटम ऑफ डेक आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ कि हमारे चैनल पे जो है ज्वाइन बटन भी आ गया है, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो हमारे चैनल पे तो आप कर सकते हैं, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो आपकी हीटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन्हें वही चीज़ मिल रही है जो इन्होंने आपके साथ की, शायद मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा, 10 गुना बढ़कर इन्हें वो चीज़ मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया था, रिलेशनशिप में जहर घोला था, तो अब इनके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, इनके रिलेशनशिप में कोई जहर घोल रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ फाइनेंस में कुछ धोखेबाजी की थी, या फिर आपका पैसा हड़प लिया, आपके साथ धोखा किया, तो सेम वही चीज़ अब इनके साथ हो रही है। कोई इनके पैसे लेके के भाग गया है, एक बेसिकली जो इन्होंने आपके साथ किया था वही अब इनको मिल रहा है, और वो भी बढ़कर। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ आजकल इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं ये, क्योंकि इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है, तो वो चीज़ अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ज़ुबान के बहुत तीखे हो गए हैं, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना या उल्टा सीधा बोलना उनको किसी भी तरीके से, बेसिकली उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं इनके, और रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहे हैं। कुछ लोग इन्हें छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोगों को इन्होंने खुद ही छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं मुंह छुपा के भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं मुंह छुपा के भाग रहे हैं। अगर ये सिंगल हैं तो ये अकेले अपने कर्मों का, जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, उसी का इन्हें परिणाम मिल रहा है कि आज की डेट में इनके ही हाथ काट रहे हैं लोग, या फिर इनके खुद के ही कर्म से इनके हाथ कट रहे हैं। अगर देखोगे, इसी इंसान ने जिस जगह से तलवार पकड़ी है, इसके हाथ खुद ही कटेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि इस इंसान के जो कर्म हैं, उसी के बदौलत आज जो भी इसके साथ हो रहा है वो इसी का ही किया हुआ है, उसी का फल है कि आज इसके हाथ कट रहे हैं, और भैरूपिये की तरह मुंह छुपा रहे हैं। जो इनका रियल साइड फेस है ना, वो कहीं ना कहीं ये छुपा रहे हैं। मतलब अगर अभी तक ये था कि ये आपकी लाइफ में जहर घोल रहे थे, जब इनकी लाइफ में जहर घुल रहा है तो कहीं ना कहीं ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं, क्योंकि इन पे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, या तो किसी ने इनकी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती की है, वो इनको धोखा दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा जहाँ इन्हें मुँह छुपाना पड़ रहा है, कुछ इनके ही ऐसे कर्म हैं जो इन्हें मुँह छुपाना पड़ जाए, वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। अकेले हो गए हैं, फैमिली के साथ बहुत ही रेयर कहूँगी कि फैमिली के साथ ही बिल्कुल ही शिफ्ट कर गए, कुछ ऐसा किया, कुछ किसी के साथ धोखेबाजी की है कि बिल्कुल ही फैमिली को ही लेके कहीं और चले गए, शिफ्ट हो गए, वो बहुत कम कह सकती हूँ मैं। और बहुत अकेले हैं लोग, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, और कहीं ना ये माफ़ियाँ मांग रहे हैं अपने कर्मों की ना, इन्हें दिन रात बस यही है कि माफ़ी मिल जाए, क्योंकि जो किया है उसका 100 गुना मिल रहा है। ओके, और अकेले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में, अंधेरे में काट रहे हैं ज़िंदगी को। तो ये चीज़ हो रही है इनके साथ कि अब ये अपने ही कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी पास्ट में इन्होंने किया है, आपके खिलाफ़ साजिश की, या आपको धोखा दिया, या आपके पैसे चुरा लिए, या पैसों को लेकर धोखा दिया, या करियर में कुछ किया, मतलब जैसे भी, जिस भी तरीके से इन्होंने आपकी इमेज ख़राब करने का सोचा था, आज की डेट में इनकी इमेज ख़राब हो गई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपना घमंड भी नहीं छूट रहा इनसे,
मुझे वो भी चीज़ लग रही है कि वो कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कुछ वही है ना कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, घमंड नहीं टूटा, ये चीज़ है। इन्हें ये तो पता है कि हाँ मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर माफ़ी भी मांग रहे हैं। जब अकेले होते हैं ना, जब वो अकेले बिस्तर पे जाते हैं, वो नींद नहीं आती, वही ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त ये माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं। और यहाँ फिर मैं कहूँ कहीं ना कहीं इनकी सोल इनको बोल रही है कि माफ़ी मांग लो, जो अपने कर्म बुरे तुमने किए हैं ना उनको सुधार लो। लेकिन ये जो इंसान है आज भी ये उसी तरीके से मैं कहूँ बर्ताव कर रहा है, या मैं कहूँ वो अपना घमंड नहीं छोड़ रहा। बट हाँ, इनका घमंड नहीं टूटा है बल्कि और बढ़ गया है। मतलब यहाँ फाइव ऑफ सोर्स से देखोगे ना तो वो क्वीन ऑफ सोर्स बन गया, मतलब और ज़ुबान तीखी हो गई है। मतलब लोग इनके साथ कर रहे हैं ना तो इन्हें ये लग रहा है कि मैं तो अकेले ही सारे झंडे गाड़ लूँगा या मैं खुद ही कर लूँगी। मतलब वो चीज़ है, मतलब इन्हें वो गलती रियलाइज़ नहीं हो रही। अकेले में उगते हैं तो रियलाइज़ होती है, लेकिन लोगों के सामने, दुनियादारी के सामने अपना वही चीज़ दिखाते हैं, वही घमंड दिखाना, वही शो ऑफ करना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। और वही कड़वी ज़ुबान, वही तीखी ज़ुबान, वही लोगों को खुद से नीचे समझना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका अच्छा वक्त इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब अगर कोई आपके बारे में बोल रहा है आपकी दोस्ती को लेके कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, आपका करियर अच्छा हो रहा है, तो वो चीज़ देख के इनके सर में भी दर्द होता है, इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या सिचुएशन है। मतलब वो कहते हैं ना कि इन्हें कहीं ना कहीं टिकना पड़ रहा है, वो अपने उस लेवल को, उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ रहा है, या उस इमेज को ना मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये। और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन जाना है, लेकिन दूसरों को ज्ञान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आजकल कि भाई तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो। मतलब खुद का कुछ नहीं पता है कि खुद का कहाँ जाना है, खुद को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन जाना है, क्या करना है ज़िंदगी में, वो कुछ नहीं पता है। लेकिन दूसरों को ज़रूर बता रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। एंड इसी वजह से ना लोग इनका मजाक भी बना रहे हैं। मतलब मैं कहूँ तो खुद में ही घमंड कर रहे हैं, खुद में ही अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, बाकी है कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि खाली चिल्लड़ी ज़्यादा बजती है, वो नोट थोड़ी बजते हैं, वो चिल्लड़ जो होती है ना वो थोड़ी बहुत वही बजती है। वही कुछ हाल इनके मुझे लग रहे हैं कि इन पे है कुछ नहीं और ये बज के बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आ रही है, लेकिन वो चीज़ दिखाएंगे नहीं। और कहीं ना कहीं ज़ुबान और तीखी कर ली है, और मैं कहूँ रूड होते जा रहे हैं, और काम की तलाश में लगे पड़े हैं आजकल। फ़िलहाल मैं कह सकती हूँ कि काम की तलाश में लगे पड़े हैं, या इनके घर में कोई फंक्शन वगैरह है जिसकी मैं कहूँ ये सारा जिम्मेदारी वगैरह उठा रहे हैं। इसी वजह से भी शायद रातों की नींद उड़ी है कि भाई कहाँ से होगा पैसा, कहाँ से आएगा, कहाँ से अरेंजमेंट होंगे, वो चीज़ हो सकती है। और एज अच्छी होगी, मैच्योर इंसान होगा, यंग एज का तो मुझे लग नहीं रहा है ज़्यादा, यंग एज का भी कह सकते हैं। और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज़ें हैं इस इंसान के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही है कि सामने से मदद मांग सकता है, लेकिन अपना घमंड इतने ऊपर रखना है या खुद को इतना महान इंसान बनना है या समझना है कि सामने वाले से मदद नहीं मांगनी, जबकि वो करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि तुम मांगो तो सही, मतलब तुम अपना ईगो तो थोड़ा ठंडा करो, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। कुछ यही चीज़ इनके साथ चल रही है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इन्हें नहीं समझ आ रहा किस डायरेक्शन जाना है, इन्हें नहीं समझ आ रहा ये कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, इन्हें नहीं समझ आ रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी करियर में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकती है। अकेले हैं, कुछ रिलेशनशिप इनके ख़त्म हो गए हैं, कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं मतलब परमानेंट ख़त्म हो गए हैं, कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनके साथ हाय हेलो तक की चीज़ें रह गई हैं, वो पास्ट वाली बात नहीं रह गई, क्योंकि इनका जो रूड बिहेवियर है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो हर कोई हर्ट नहीं करना चाहता है, तो इसी वजह से कुछ लोग इन्हें छोड़ के जा रहे हैं कि भाई तू है कौन जो हम तेरी बात सुने। वो वाली चीज़ है कि होगा तू कहीं का अपना प्रधानमंत्री, मतलब ठीक है वो वाली चीज़ है कि बन रहा होगा तू कहीं का मंत्री खुद में, लेकिन हम क्यों सुने तेरी, वो वाली चीज़ मुझे लग रही है इस इंसान के साथ। ओके, किसी ने इसको रेमेडी बताई हो सकती है कि बर्ड्स को दाना डालो आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, तो आजकल ये थोड़ा एनिमल की सेवा कर रहे हो, ऐसा हो सकता है।
एनिमल्स की, बर्ड्स की सेवा कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, नेचर में घूमना फिरना या मेडिटेशन वगैरह शुरू की हो, कि भाई बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती हो रही है अब तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं खुद की ज़ुबान पे, खुद को थोड़ा शांत करते हैं, अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आजकल उस पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मेडिटेशन करते हैं। देखा, फाइटिंग, हर किसी से लड़ना है और कोई काम ही नहीं है, हर किसी से लड़ना है। सो भाई इनके लिए यही गाइडेंस है, या मैं कहूँ इनकी जो हेटर्स की, आपके जो हेटर्स हैं उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि हर किसी के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं, चाहे जुबान से लड़ना हो, जुबान से मैं कहूँ अंगारे बरसाने हो, या हाथ पैरों की लड़ाई करनी हो, ये दोनों तरीके से रेडी है और दोनों तरीके से ये कर भी रहे हैं। आज की डेट में आपकी हेटर्स की यही एनर्जी है, सच्ची बताऊँ यही हालत है उनकी, कि उन्हें बस ये है कि मुझे जीतना है, मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ा महान इंसान हूँ, फिर चाहे औरत हो या आदमी हो, ठीक है। और ये दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार है क्या, ये कर भी रहा हो तो ऐसा हो सकता है कि आजकल इसकी ना लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन हो रखा है फ़िलहाल में ये इंसान, और मैं कहूँ कहीं ना अपने आप को प्रूफ करने में लगा पड़ा है। वही है कि इसको ना ये हो रहा है कि मुझे पूजो, मेरे को इम्पोर्टेंस दो, मेरी बात को प्रायोरिटी पे रखो, मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मैं सबसे महान इंसान हूँ, वही चीज़ लगी पड़ी है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी ना आजकल ये ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रहा होगा कि मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा, वो नहीं कहते कि एक दूसरे को सुनाना कि आप अपनी वर्थ को समझिए, आप खुद में एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी के पर्सन, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें ही डाल रहा होगा कि बहुत महान इंसान है ये, और कहीं ना कहीं भाई इसको बोला भी जा रहा है कि इतना उड़ोगे ना तो गिल्ट तुम्ही को होगा, तो कोई यही समझाना चाह रहा है कि भाई शायद इनकी लाइफ में कोई गुरु भी आ गया हो जो इन्हें सही डायरेक्शन पे ला सकता है या लाने की कोशिश कर रहा है, तो वही जो मैंने कहा मेडिटेशन वाली चीज़ें वो हो सकती हैं, और कोई तो है जो इन्हें बोल रहा है कि भाई नज़रिया बदल लो, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल लो, अगर तुम इसी तरीके से रहे ना एक दिन आएगा अपने ही सर के बाल नोचोगे, एक दिन आएगा कि खुद ही गिल्ट मोड में रहोगे, और जब ये सब टाइम निकल जाएगा ना, ये रिश्ते जैसे जैसे छूटते जा रहे हैं तुम्हारे, एक वक्त आएगा कि तुम ना इन्हीं रिश्तों के लिए ना तड़पोगे, इन्हीं रिश्तों को ना याद कर करके रोओगे। तो इनको ना यही बोल रहा है कोई, या इनको जो गुरु मिला है जो इन्हें मेडिटेशन वगैरह सिखा रहा है, या इन्होंने कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें भी करवाई हैं, भाई पास्ट लाइफ इन्होंने जानने का ट्राई किया है कि ये पास्ट लाइफ में क्या थे, इन्होंने कौन कौन से कर्म किए हैं जो इस कर्म में, जो इस जन्म में ये सब भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी करवाई है, पास्ट लाइफ की कोई रीडिंग वगैरह ली हो इन्होंने, ऐसा हो सकता है, गाइडेंस मिल रही है, कोई गाइड कर रहा है इनको, इनकी करंट एनर्जी यही है आपके हेटर्स की, मुझे लग रही कि भाई कोई इन्हें बोल रहा है कि अपना नज़रिया बदल लो, नज़रिया खुद बदल जाएगा, वो चीज़ मुझे लग रही है कि कोई कह रहा है इनसे कि भाई नज़र बदल लो, नज़रिया खुद बदल जाएगा, बाद में पछताओ के कोई फ़ायदा नहीं है, अभी सुधर जाओ, इसलिए कोई इन्हें मेडिटेशन की राह पे लेके जा रहा है। और रिलेशनशिप छूट रहे हैं आपके हेटर्स की, यही इस वक्त की करंट एनर्जी है, यही हालत है उनकी, पछता रहे हैं, बड़ा पछताओगे, वही है इनके लिए गाना आ रहा याद मुझे कि बाद में तो फिर वही है कि इन्हें बड़ा पछताना पड़ेगा गाइस। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ इनकी, तो 5/14/23 हो सकती है, 18/12/8/9/17 और यहाँ पे मुझे लग रही है 3/12/21/4/13/31 और 7/16/25 यहाँ पे 14 दिख रही है, 9 ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, 6/15/24 हो सकती है और 8 हो सकती है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जनवरी, मार्च, दिसंबर, अगस्त, अप्रैल, सितंबर और यहाँ पे जुलाई और अप्रैल,
और यहाँ पे मुझे दिख रहा है मई, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई है, अगर वो रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडियक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फायर साइन, अर्थ साइन, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है वाटर साइन भी दिख रहा है और एयर साइन भी दिख रहा है। तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊंगी। या गाइस, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, इससे चैनल की ग्रोथ में हेल्प होती है। सो या गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।